मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, ओके कंप्यूटर बुक। विल टुडे विल लर्न द टेबल इन एमएस वर्ड 2007 चैप्टर 3 पेज नंबर 32। ऑल ऑफ यू ओपन। चलो हम देखते हैं पहले हाउ टू इंसर्ट ए टेबल इन एमएस वर्ड 2007। ये मैं ओपन करके रखी हूँ एमएस वर्ड 2007। अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब को जाएंगे। ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ओके, रिव्यू व्यू, दिस आर द टैब्स। इंसर्ट टैब में की इंसर्ट टैब में देखो कितने सारे ग्रुप्स है, उसमें से अंदर हम टेबल ग्रुप को क्लिक करें। टेबल ग्रुप में यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या टेबल लेंगे, ओके। यहाँ भी तुम देखो, यहाँ हम लिख सकते हैं इंसर्ट टेबल, क्या क्या हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ओके। यहाँ से हम टेबल यहाँ लिख सकते हैं कितना कॉलम लेना चाहते हैं, कितना रोज लेना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ भी हम इंसर्ट करके यहाँ ओके हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ चलो टेबल सिलेक्ट करते हैं, कितना हम टेबल लेना चाहे। तो अभी मैं टेबल सिलेक्ट कर दी। अभी हम टेबल में लिखेंगे, कुछ इंसर्ट करेंगे। चलो हमें पहले लिखी रोल नंबर, देखो रोल नंबर, उसके बाद नेम, नेक्स्ट में नेम, उसके बाद क्लास, हो गया। हम रोल नंबर लिखे, रोल नंबर 1, नेक्स्ट नेम, नेम में भी जो नेम तुम लिख सकते हो, मैं यहाँ सरोज लिख रही हूँ, उसके बाद क्लास 5, हो गया। नेम रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, नेम सरोज, क्लास 5। उसके बाद देखो ये हमारा टेबल में इंसर्ट हो गया। हम ये टेबल बनाए, यहाँ पर हम टेक्स्ट इंसर्ट कर दिए। फिर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ और कुछ यदि कॉलम एंड रो ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे, तुम इंसर्ट को जाओ। फिर देखो यहाँ लेआउट है, लेआउट में तुम क्लिक करोगे, लेआउट में तुम्हारा आ जाएगा इंसर्ट अबव, यहाँ इंसर्ट बिलो, यहाँ इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तुम क्रसर जहाँ रखोगे, तुम यदि उस चाहते हो, देखो मैं राइट में चाहिए तो राइट में कलम ऐड हो गया, ओके। फिर यहाँ इंसर्ट, ये हम डिलीट भी ऑप्शन है, जो हम अभी कर किए हैं वहाँ हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट द सेल, डिलीट द कलम, अभी मैं डिलीट द कलम की जो बनाई थी वो क्या हुआ, कलम डिलीट हो गया। हमें अभी इंसर्ट बिलो करना चाहती हूँ, देखो इसके कर्सर के नीचे यहाँ एक इंसर्ट बिलो और एक कलम बन गया। तुम यहाँ से लेआउट ऑप्शन से तुम यहाँ रोज एंड कलम ऐड कर सकते हो, लेफ्ट अबव एंड बिलो, या हम ये अभी डिलीट कर देंगे, डिलीट द रो, ओके, जो बनाए थे वो डिलीट हो गया। तो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट रोज एंड कलम। फर्स्ट इंसर्ट ए टेबल, देन वी कैन ऐड एनी रोज और एनी कॉलम इफ नेसेसरी। देन वी विल सी हाउ डिलीटिंग दिखे, डिलीटिंग ए रो कॉलम करने के बाद इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट करने के बाद हम डिलीट ऑप्शन में गए, डिलीट करने से वो क्या हुआ, डिलीट हो गया। अभी क्या करेंगे, और एक देखो नीचे इंसर्ट बिलो, अभी इंसर्ट बिलो में कर दी, यहाँ हम और कुछ लिखेंगे। रोल नंबर 1 लिखे थे, अभी हमें रोल नंबर 2 लिखी, रोल नंबर 2 में मैं लिखी निधि, नेम निधि, उसके बाद उसका क्लास भी 5 है। अभी मैं क्या करूँगी, मुझे ये दोनों का जो नेम एंड क्लास है ये दोनों को मैं मर्ज करना चाहती हूँ। तो कैसे ये दो कलम, दो जो जो है रोज, ये दो रोज को मैं कैसे मर्ज करूँगी, पहले हमको क्या करना है, इस दो रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो मर्ज में तुम्हारा एक ऑप्शन है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, यहाँ स्प्लिट टेबल। मर्ज सेल में हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दोनों क्या हो गया, नेम एंड क्लास मर्ज हो गया, ओके। इन दिस वे वी कैन मर्ज द सेल्स। स्प्लिटिंग द सेल्स, हाउ विल स्प्लिट द सेल्स, हम वैसे यहाँ स्प्लिट, देखो स्प्लिट द सेल है, यहाँ हम क्या किए, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रोज 1,
ओके देखो स्प्लिट हो गया, समझ में आया। वी कैन मर्ज द सेल बाय क्लिक द ऑप्शन मर्ज सेल, स्प्लिट द सेल, हम यहाँ स्प्लिट कर दिए दोनों रोज में चाहे स्प्लिट हो गया। तो इन दिस वे वी कैन मर्ज एंड स्प्लिट द सेल। अभी देखो मूविंग एंड रिसाइजिंग, पेज नंबर 35 में तुम्हारा है मूविंग एंड रिसाइजिंग। देखो ये जो टेबल हमने बनाया हुआ है उसका हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखो ये टेबल को हम और थोड़ा ऊपर लेना चाहते हैं कि और थोड़ा नीचे लाना चाहते हैं, क्लिक कर दिए क्या हो गया, नीचे आ गया। तो इसमें से हम क्या किए, ये टेबल को मूव भी कर सकते हैं। और रिसाइजिंग, इसे हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, देखो यहाँ से हम उसको बड़ा कर दिए और छोटा करना, यहाँ से क्या किए हम छोटा करना चाहते हैं, देखो हम छोटा कर दिए। तुम यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। तो हम देखिए अभी हाउ टू मूव द टेबल एंड हाउ टू रिसाइज द टेबल, देन विल सी राइटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो हम और एक टेबल बनाएंगे, चलो न्यू टेबल में हम दिखेंगे कैसे मार्क हमारा कैलकुलेट करता होता है। चलो एक टेबल में बना दी, हो गया। अभी हम दिखेंगे इस टेबल में हम कुछ मार्क लिखेंगे, चलो मार्क वन, इसके बाद मार्क टू, ओके मार्क वन मार्क टू मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट सेल में मैंने टोटल, टोटल का आंसर चाहा। तो मार्क वन में हम इंसर्ट किए, इसका मार्क वन था 25, ओके मैं 25 मार्क डाली। उसके बाद मार्क टू में उसका 30 रुका है। तो अभी हम टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने के लिए देखो यहाँ एक लेआउट ऑप्शन में तुम्हारा एक फॉर्मूला है। देखो इफेक्टिव फर्स्ट सिलेक्ट द फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला को क्लिक करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इसको बैक कर देना 25 और 30, हम 25 प्लस 30 किए। अब हम ओके क्लिक करेंगे, देखो तुम्हारा अभी आंसर आ गया कितना, 55। हमने क्या क्या लिया था, 25 30, हमारा अभी आंसर निकल गया 55 निकल गया। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो फाइंड द सब्सट्रैक्शन एडिशन, जो भी हम करना चाहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। तो राइटिंग इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें हम कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। देखो ये हम एक टेबल ने बनाया है, चलो हम और एक उसमें इंसर्ट बिलो है और एक टेबल कर देते हैं, ओके यहाँ हम और कुछ लिखेंगे। तो यहाँ हमने और भी वो यहाँ 45 लिख दी, यहाँ 32, ओके इसका भी टोटल हम लिख देते हैं। यहाँ हम उसका कर्सर को यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ एफएक्स को जाते हैं, यहाँ हम कितना डाले थे 45 और 32, तो यहाँ 45 और 32 को अब हम ओके करेंगे। तो हम कितना आ गया, 77 आंसर आ गया, समझ में आया सबको। अभी हम दिखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग। देखो यहाँ एक तुम्हारा बॉर्डर एंड शेडिंग डिजाइन में तुमको मिलेगा। ये जो बॉर्डर और शेडिंग हम कैसे करेंगे, डिजाइन को जाएंगे, डिजाइन में हमारा देखो बहुत सारे बॉर्डर है, देखो हम देखो बहुत सारे टेबल का स्टाइल है, जो भी तुम स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो तो तुम्हारा वैसा ही कलर आ जाएगा। तो नीचे देखो यहाँ बहुत सारे हैं, तो तुम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा बॉर्डर तुमको चाहिए। ये टेबल स्टाइल है, टेबल का स्टाइल तुम यहाँ से भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ है सेटिंग एंड बॉर्डर, हम पहले बॉर्डर को जाएंगे, बॉर्डर ऑप्शन में यहाँ हम बटन को दिखेंगे, क्लिक द डिजाइन बटन, देन क्लिक द सेटिंग, ओके ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू। देखो तुम उसका बॉर्डर का टॉप करना चाहते हो क्या, पहले तुमको इसको सिलेक्ट कर देना है, ओके सिलेक्ट करने के बाद तुम बॉर्डर एट द बॉर्डर बटन टॉप बॉर्डर, ओके बॉटम बॉर्डर ना टॉप बॉर्डर ना लेफ्ट बॉर्डर, तुम जो भी यहाँ बॉर्डर सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ एक कलर है, पेस्ट बॉर्डर देना चाहते हो तो पेस्ट बॉर्डर को तुम दे सकते हो,
पहले चलो हम बॉर्डर और सेटिंग को जाते हैं। देखो यहाँ हमारा बॉर्डर और सेटिंग बॉक्स आ गया। बॉर्डर सेटिंग बॉक्स में हम जो भी कलर देना चाहते हैं, देखो यहाँ कलर है ब्लैक है, यहाँ से हम जो भी कलर चूज कर सकते हैं। देखो मैंने ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, देखो यहाँ से एक मैं कलर चूज की, उसके बाद हम मैं इसको ओके की। देखो तुम्हारा ये कलर रेड कलर को चेंज हो गया। ओके अभी हम लिखेंगे हाँ, फिर से दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे उसको डिजाइन में लिखेंगे शेडिंग कैसे करते हैं। शेडिंग में देखो जो भी कलर तुम अंदर वाला सेट करना चाहते हो तो तुम्हारा शेड हो जाएगा। यहाँ से कलर सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, शेडिंग हो जाएगा। ये मैंने सेटिंग कर दिया है। ये कलर थोड़ा और दिखते हैं लाइट कौन सा है। ये मैंने ब्लू ओके ग्रीन सेटिंग कर दिया है। तो अभी हमारा हो गया सेटिंग, तो सेटिंग हो गया। अभी हम क्या करना चाहते हैं, टेबल स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। तो टेबल स्टाइल से यहाँ टेबल स्टाइल देखो यहाँ ड्रॉप एंड डाउन बहुत सारे हैं, तुम यहाँ से बहुत सारे है यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कौन सा हमको चाहिए। देखो मैंने ये क्लिक किया तो हमें एक साइड वाला मिल गया। देखो और एक ये वाला है, बहुत सारे है, तुम ये टेबल स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर टेबल्स इन एम एस वर्ड 2007। हम क्या आज पढ़े, कैसे टेबल हमने इंसर्ट किया। ओके इंसर्ट में जाकर कैसे हमने टेबल्स को जाकर यहाँ हमने टेबल इंसर्ट किया, फिर रोज एंड कॉलम में कैसे हम टेक्स्ट डाले, उसके बाद मर्जिंग सेल कैसे किए, ओके स्प्लिटिंग सेल कैसे किए, मूविंग एंड रिसाइजिंग कैसे किए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने कैसे ऐड किया यहाँ, ओके फिर बॉर्डर और सेटिंग हम कैसे दे सके। ये है तुम्हारा आज का टॉपिक।